two roads diverged in a wood, and I took one less traveled by, and that has made the difference. शायर कहूंगा है ना, और इस बात को वो काफी साइन इस गहरी सांस, गहरी सांस लेके कहना चाह रहे हैं क्या कि समवेयर एजेस एंड एजेस हैं, यानी कि एजेस विस एजेस विस साल, यहां पे एजेस एंड एजेस शो किया टाइम को, तो साल के साल बीतते गया, तो टू रोड डाइवर्स इन वुड, तो जब लेखक जो थे डिसीजन जब ले रहे थे जंगल में है ना, आई टुक द वंस लेस ट्रैवल्ड बाय, तो लेखक कौन सा डिसीजन लिए, वैसा रास्ता जिसपे कम लोग चले हैं, उनके पास दो रास्ता चूज हुआ था, फर्स्ट जो था उस पाथ पे ज़्यादा पत्ती वगैरह नहीं थी, ज़्यादा घास वगैरह नहीं था, ज़्यादा ग्रासी नहीं था, डैट मीन्स उस रास्ता पे बहुत लोग चले हैं। जो सेकेंड रास्ता था वो ग्रासी था, ग्रासी मीन्स घास वगैरह ज़्यादा था, डैट मीन्स उस पाथ पे बहुत कम लोग चले या तो ना के बराबर चले, तो जो लेखक जो है वो कौन सा रास्ता चूज करते हैं, आई टू द वन लेस ट्रैवल्ड बाय, जिस रास्ता पे कम लोग चले हैं, जो ऑप्शन कम लोग चूज किए हैं वो चूज करते हैं। इससे क्या शो करता है कि जो लेखक हैं वो क्या है, एडवेंचरस है, काफी साहसिक काम और जोखिम काम करने में इंटरेस्ट है, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और इस तरह से वो डिसीजन जो लेखक लेते हैं जिस पाथ पे लोग कम लोग चले हैं, वो डिसीजन लेने से क्या उन्हें लग रहा है कि हाँ मेरे लाइफ में क्या डिफरेंसेस आ गया है, डिफरेंसेस क्या आया, जैसे उनके लाइफ में कुछ कैरियर होगा, कैरियर को लेकर एक चूज करना है, चूज करना, लेकिन वो क्या चूज किए, एक पोएट्री बनना, और वो पोएट्री ग्रुप में क्या शो कर रहे हैं कि मैं आज डिफरेंस हूँ। नाउ समरी ऑफ दिस चैप्टर, पोएट कहना चाह रहे हैं कि एक बार वो वॉकिंग डाउन द रोड, वो रोड रोड पे टहल रहे थे, और रीच ए फॉर्क, फॉर्क मीन्स क्या होता, काटा नुमा, मतलब वहाँ से दो रास्ता आ गया, ही कुड वॉक ओवर वन पाथ वन, और वो सिर्फ एक ही रास्ता पे चल सकते थे, ही टू टाइम टू चूज द राइट पाथ, वो कुछ समय लेते हैं कि सही रास्ता कौन सा है, ही इंस्ट्रक्टेड देम टू द डिसाइड, और वो डिसीजन लेते हैं जो कि बेटर ऑप्शन है, देन चूज द वन सिम लेस वॉक ओवर, उसके बाद कौन सा रास्ता चूज किए, वैसा रास्ता जिस पर कम लोग चले हैं, उनको दो रास्ता मिला, एक रास्ता जो कि बहुत जिन पे बहुत ज़्यादा चला हुआ था, और सेकेंड रास्ता जिस पे कम लोग चले थे, तो लोग लेखक क्या चूज करते हैं, जिस पे कम लोग चले, ही केप द अनदर वन फॉर सम अदर डे, और दूसरा रास्ता चूज क्या करते हैं, वो छोड़ देते हैं क्यों, कोई दूसरा दिन के लिए, जबकि वो जानते थे कि ऐसा फिर मुझे चांस मौका नहीं मिलेगा, ही वुड गो फर्दर ऑन द चूज पाथ एंड नॉट गेट चांस टू गो बैक ऑन इट, उन्हें पता था जो रास्ता हम चूज किए फिर उसे ही उसे पे मुझे चलना है और बाद में मुझे बैक होने का चांस नहीं मिलेगा, एज ही वॉक ऑन द चूजन पाथ ही रियलाइज दैट बोथ हर पाथ्स वेयर सिमिलर, ही फेल दैट हिज फ्यूचर डिपेंड ऑन द चॉइस दैट ही मेड, लास्ट में वो ऐसा महसूस करते हैं कि हमारा जो फ्यूचर है वो क्या डिपेंड करता है कि जो पाथ हम चूज करते हैं, इस पोएट से हम इस पोएम से हम क्या सीखें कि सपोर्ट एट हमारे पास दो ऑप्शन है कि साइंस लूँ या तो आर्ट्स लूँ, तो इसके वजह से हम लोग क्या करते हैं कन्फ्यूज हो जाते हैं, कन्फ्यूजन में हम लोग डिसीजन रॉन्ग भी ले सकते हैं, अगर राइट डिसीजन हो तो ठीक है, तो बाद में अगर रॉन्ग डिसीजन हो गया तो गलत हो गया, तो मोस्टली लोग जो डिसीजन लेते हैं वो अपने अपने अपेक्षा के अनुसार लेते हैं, जो उनके अनुसार हो, तो इसके अनुसार अगर हम बाय में हमारा दो ऑप्शन है साइंस और आर्ट्स, तो अगर हम राइट डिसीजन लिए तब तो लास्ट में हम सक्सेस हो जाएंगे है ना, सफल होंगे, और हमें लगेगा नहीं जो हमारा डिसीजन था वो बिल्कुल सही था, ये कोई भी हम लोग को ये शो करना चाहता है कि अगर हमारे पास दो ऑप्शन है तो ऐसा नहीं कि वो पाथ चूज करें कि जो कैरियर सब यूज करना चाह रहे हैं, ये हमें नहीं देखना है, बल्कि जो हमारा कैपेसिटी है जो हमारा क्षमता है उसके अनुसार अपना पाथ चूज करें, ताकि फ्यूचर में मुझे लगे कि हाँ हमारा जो चूज करने का जो तरीका था वो गलत नहीं था और हमें फ्यूचर में पछताना ना पड़े। थैंक्स, दिस इज द योर चैप्टर फिनिश नाउ।